हेलो एवरीवन, चलिए आज चलते हैं हम अपनी नानी के घर। हम जा रहे हैं, यहाँ मेरी नानी तो नहीं है, मामू रहते हैं। ये पहुँच गए हम अपनी मामू के घर पे, और आज हमने यहाँ से कुछ एक नई चीज़ लेकर गए हैं जिसकी आज मैं आपको रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। ये हमारे मामू का आंगन है जिसमें ताज़े जाम लगे हुए थे, अमरूद। ये हमारी अम्मी का हाथ है, अम्मी टमाटर तोड़ रही हैं, चेरी टमाटोज जो हम ढेर सारे यहाँ से लेकर आए हैं। ये जाम का पेड़ है और इसमें बहुत सारे जाम लगे हुए थे। ये हमारे प्यारे खूबसूरत से चेरी टमाटोज जिससे आज हम बनाएंगे अपनी आज की रेसिपी। तो आज हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं जिसमें हम लेंगे एक हींग, ज़ीरा, नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, लाल मिर्च सूखी, ये मैंने 10 से 12 ली हैं, और लहसुन भी मैंने 10 से 12 या एक पूरा लहसुन का कली जो होता है वो लिया है। इसके बाद एक कटोरी पूरी भर के मैंने चेरी टमाटोज की ली है, कटोरा एक्चुअली भरा। अब हम मिक्सी में लाल मिर्ची और लहसुन को थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड करेंगे। इसको एकदम पेस्ट फॉर्म में नहीं करना है, हल्का सा दरदरा ही पीसेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। फिर आती है बारी टमाटो को ग्राइंड करने की। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, इसमें ऑलरेडी बहुत पानी है, बहुत जूसेस हैं और ये बहुत टेस्टी और खट्टे होते हैं। ये हमने इनको भी पीस लिया है। अब हम डालेंगे तेल, तेल हम थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। इसमें हम डालेंगे हींग और ज़ीरा। जब हींग और ज़ीरा इसमें पक जाए, तल जाए, तब फिर हम इसमें डालेंगे अपना लहसुन मिर्ची का पेस्ट और इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। ये देखिए, ये अब एकदम बलबल पक रहा है और ये अच्छे तरीके से भुन गया है। ये जब पूरा ही अच्छे से एकदम ही हमको लगे कि अब ये जलने की कगार पे खड़ा है, तब तक हम इसमें से भूनेंगे, क्योंकि जो लहसुन की रॉ स्मेल है उसको निकलना बहुत ज़रूरी है। 2-4 मिनट के बाद हम इसमें पिसे हुए टमाटो ऐड कर देंगे और इसके साथ हम इसमें नमक ऐड करेंगे और इसको थोड़ी देर ढक के पकने देंगे, क्योंकि ये बहुत शोर मचाएगा और बहुत गंदगी भी फैलाएगा, इसलिए हम इसको ढक देंगे। तकरीबन 5 मिनट के बाद जब ये हल्का सूखने लगे, तो फिर इसको खोल के देखें, इसका पानी सूखने लगे, इसको एकदम ड्राई कर लेना है। ये चटनी गर्मियों में दाल चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है, इसको आप बनाइए और इसको आप कम से कम 1 महीने तक, 2-3 हफ्ते तो आप इसको बहुत अच्छे से रख सकते हैं। ये देखिए, ये चटनी रेडी हो गई है, स्टोर करके इसको रखिए। और ये दाल चावल के साथ, इसका मैं आपको पास्ता में भी इसका यूज़ करूँगी और आपको रेसिपी दिखाऊँगी ज़रूर। तो ये चटनी हमारी तैयार हो गई है, इसको मैंने एक जार में स्टोर करके रख लिया है। इसके ऊपर मैंने जो तेल था वो पूरा डाल दिया ताकि ये प्रिजर्व्ड रहे, इसमें कोई ख़राबी ना हो। ये हमारी चटनी, इसको हम ठेचा भी कहते हैं, जो कि तैयार हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।